जानता रे भाई, हमर दिल्ली में स्वागत भेल दिल से, मुंबई में स्वागत भेल मन से। ठीक कहले भाई, लंदन ना गेले ना तो स्वागत होती आउ। बेबी तुम्हें पता है तुम मेरी चांद हो? अबे भी पता है तुम मेरे क्या हो? तुम मेरे एडविन एल्ड्रिन हो। मतलब समझने वाले समझ गए। मूवी देखने चले यार, ये सपना है या हकीकत है? सपना है। तो फिर तूने कपड़े क्यों पहन रखे हैं? दिसंबर महीने में शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? अबे एक महीने बाद ही बीवी एक साल पुरानी हो जाती है। अबे भाई, आजकल की लड़कियां इतनी पतली होती है ना कि मन करता है 8-10 को इकट्ठा करूं और झाड़ू बना लूं। है सही माल पटा के लाए अमेरिका से? है हरामखोर भाभी होते हैं। रोजी रोज पूजा किया करो, आपकी सारी बलाएं टल जाएंगी। हाँ, तेरे बाप ने बहुत करी होंगी तभी उसकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। नहीं नहीं, बस। अरे नानी 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 बस नानी, अरे मम्मी इनको बोल रही है खिलाई जा रही है। अरे बस। अच्छा ये बताइए, जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा? नहीं नहीं, एकदम से नहीं फटा, एकदम से नहीं फटा। बम पहले हमारे बाजू में आए, फिर मुझे देख के थोड़ा सा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आए, फिर नजदीक आके बोले मैं बम हूँ, आप बुरा ना माने तो फाट लू। सुनो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरे सारे बिल पे करता है और यहाँ तक कि इसने मुझे आईफोन भी दिलाया है। तुम भी मेरे बारे में कुछ बताओ ना। पक्की भिखारा नहीं। बेबी, ये प्रेग्नेंट का मतलब क्या होता है? फालतू की बकवास मत करो, चलो यहाँ से। लगता है प्रेग्नेंट का मतलब गुस्सा होना होता है। देख के चल रहे। अबे मेरे से ज्यादा फालतू बात मत कर रहे, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। बेबी, ये कुत्ता कुत्ते रोड पे करते हैं, इनको शर्म नहीं आती? अरे गंवार, उनको होटल के पैसे कौन तेरा बाप देगा? ठंड शुरू हो गई है, जैकेट ही लेनी पड़ेगी, बाकी तो कोई उम्मीद नहीं है इस साल भी। ए, रस्सी क्यों मोड़े खड़ा है? ऐसे पकड़ रखी चिल्ला क्यों रहा है? तेरे को दिख नहीं रहा कपड़े सुखाने आया हूँ? तो क्या छोड़। बेटा ये पर्दे ठीक कर दो। जी माँ। जरा ये रिमोट पकड़ा ना। जी। चप्पले भी सेट कर दे। और हाँ एक और चीज, तुम ना एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लूँ। मेरी कोई बात नहीं मानता। भाई तू ये हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाता है? अबे हफ्ता हफ्ता छोड़, मैं तो दिन में ही 10-20 बार बना देता हूँ। क्या बात कर रहा? नहीं हूँ ना। देखो शादी में जा तो रहे हो तुम, पर एक बात का विशेष ध्यान रखना, वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले खाना खा लेना, नहीं तो जितनी देर बाद खाना खाओगे उतना ही रायता पतला और पनीर की सब्जी में से पनीर गायब मिलेगा। यार ये नवंबर दिसंबर में इतनी शादियां होती हैं, लगता है जैसे कि दूल्हा दुल्हन पर 50% डिस्काउंट चल रहा हो। हे भगवान, तू मुझे दुख दे, दर्द दे, तकलीफ दे, इस संसार के सारे गम मुझे दे दे मेरे मालिक। बाबा इतनी सारी डिमांड क्यों करते हो? बस एक बीवी मांग लो। मुझे भरने देना, छोड़ मैं मंत्र शुरू करने लग गया, मेरे पीछे पीछे बोलना, तू एक बारी बोलना, तू दो बारी बोलना, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। हले में शुरू ही नहीं किता। आ किया। क्या कर रहे हो? बैठ लगा रहो। इसको कौन प्रेस करेगा? प्रेस करो जल्दी।
स्त्री और मिस्त्री दोनों एक जैसे होते हैं, अगर ये खुश नहीं रहे तो घर बिगाड़ कर ही मानते हैं। डॉक्टर ने फीकी चाय पीने के लिए बोला है। मैं अलग अलग चाय नहीं बनाऊंगी, यह है चाय और यह है लड्डू, इसको खा के चाय पीना फीकी ही लगेगी।